खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ बात करने के लिए पश्चिम बंगाल से नवनिर्वाचित सांसद लॉकेट चटर्जी। लॉकेट जी, आज अटल जी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की, गांधी जी की समाधि में श्रद्धांजलि अर्पित की, सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर एक नई परंपरा की शुरुआत की नरेंद्र भाई ने, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमारा भारतवर्ष का ये आदर्श है, ये संस्कार है। हम जब किसी शुभ काम में जाते हैं तो उसका पहले हम लोग ये सब जो हमारा जो सीनियर्स है सबको हम जो भारतीय जो सेना है सबके पाँव में मैं हम लोग श्रद्धांजलि देके शुभ काम शुरू करती हूँ। गांधी के विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं नरेंद्र भाई, लेकिन आपके प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो इनके विचारों से इत्तेफाक नहीं रखती, उन्होंने आने से मना कर दिया। देखिए, हमारा पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री है आप तो जानते ही है, पूरा के पूरा जो इलेक्शन के फेज में, इलेक्शन के टाइम में उन्होंने कितना प्रधानमंत्री जी को गाली दिया, कितना एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी कितना लैंग्वेज यूज किया है। उन्होंने बोला था वो शपथ ग्रहण में आने के लिए, उन्होंने बोला था, लेकिन वो परिवार को बचाने के लिए आ रहे थे, लेकिन देख लिया है उन्होंने जो हमारा जो पंचायत से लेकर अभी तक जो 100 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारा खून हुआ है उसके लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी है। तो उसके लिए ममता बनर्जी बोल रहा है, ये पॉलिटिकल मॉडल नहीं है, ये सब लोग जानते हैं, बंगाल का जनता जानता है, देश का जनता जानता है, ममता बनर्जी का ये कारण है।